हेलो दोस्तों, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी को आदाब। आज मैं आप लोगों को शॉपर शेल्फ के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि काफी लोग अभी भी ऐसे हैं जो शॉपर शेल्फ के बारे में नहीं जानते कि शॉपर शेल्फ एक्चुअली है क्या चीज़, या किस तरह का प्रोडक्ट फ्राहम कर रही है, या सप्लाई कर रही है, या सर्विस दे रही है। तो आइए आज हम जानेंगे और उन लोगों को बताएंगे कि शॉपर शेल्फ जमशेदपुर में क्यों आई है और किस तरह का सर्विस दे रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि शॉपर शेल्फ किस तरह का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। शॉपर शेल्फ एक्चुअली शॉप डिस्प्ले रैक्स यानी मेटल शॉप डिस्प्ले रैक्स प्रोवाइड कर रहा है। ये मेटल शॉप डिस्प्ले रैक्स होता क्या है, इसको जानने के लिए आप ये समझिए कि जब कोई शख्स किसी बिजनेस में जाता है या किसी भी तरह का शॉप खोलने का इरादा करता है, तो उसका माइंडसेट होता है कि सबसे पहले हम फर्नीचर किस तरह का लगाएं, किस तरह का लें। तो सबसे पहले उसका माइंड जो जाता है वो जाता है लकड़ी में, जो कि अमूमन या आमतौर पर लोग लकड़ी में ही जाना पसंद करते हैं। तो मेरा जो है फर्नीचर या रैक्स जो है, ये टोटल का टोटल मेटल रैक्स है। मेटल रैक्स में भी दो तरह की क्वालिटी आती है, एक क्वालिटी है एनएस और एक क्वालिटी है एसएस। एमएस होता है माइल्ड स्टील और एसएस होता है स्टेनलेस स्टील। माइल्ड स्टील यानी उसमें पाउडर कोटेड होते हैं, यानी किसी भी कलर का आप रैक्स चूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज काफी ज्यादा है। अगर आप लुक वाइज देखें, क्वालिटी वाइज देखें, पैसे वाइज देखें, किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे तो ये कस्टमर के लिए फायदे ही साबित होता है। सपोज दैट कि अगर आप किसी शॉप में जाते हैं, या मान लीजिए आप अपने ही शॉप ओपन करने जा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो ग्रोसरी के लिए हो, चाहे वो मेडिकल के लिए हो, चाहे वो कॉस्मेटिक के लिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो, किसी भी टाइप का शॉप अगर आप खोलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका जो माइंड सेट होता है वो होता है कॉस्टिंग, कि हम कॉस्ट कट कैसे करें, या हम कम से कम लागत में हम फर्नीचर बनवा सकें। तो एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आप लकड़ी में जाते हैं, तो लकड़ी में अगर 1 लाख का अगर आपका बजट आता है, तो मेटल रैक्स में जो बजट आएगा वो आपका 60,000 to 70,000 के आसपास में आएगा, यानी इसमें 30% का बजट हो जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि अगर आपका शॉप यानी रनिंग में है और वो रेंट में है, और इत्तेफाकन या बाय चांस अगर वो शॉप आपको खाली करना पड़े और दूसरे शॉप में जाना पड़े, तो क्या होता है कि लकड़ी का फर्नीचर तो बना लेते हैं, बट मुश्किल वहां पे आता है जब आप दूसरे शॉप में एंटर होने जाते हैं। वहां पे क्या होता है कि आप चाहते हुए भी अपना फर्नीचर दूसरे शॉप में एज इट इज लगा नहीं पाते, क्योंकि वो लकड़ी का होता है, जब अगर आप उसको डिस्पेंडल करने जाएंगे तो वो 80% वो डैमेज हो जाता है। लेकिन आप जब मेटल रैक्स में आएंगे तो इसमें टोटल का टोटल रैक्स, ना ये इसमें डैमेज होगा और ना इसका कुछ नुकसान होगा। ये जिस शोरूम में आपने लगाया पहले, दूसरे शोरूम में एज इट इज आप लगा सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज मेटल रैक्स में यही है। तीसरा एडवांटेज अगर हम बात करें तो इसका लुक वाइज,
आप अगर बड़े बड़े शोरूम में देखेंगे, जैसे कि आप रिलायंस में चले जाए, गारमेंट्स के बड़े बड़े शोरूम में चले जाए, बिग बाजार वगैरह में चले जाए, जो उसका लुक आता है सेम ये लुक देता है। आप वही चीज देखें जो बड़े बड़े ब्रांड में गारमेंट्स से रिलेटेड जो शॉप होते हैं उसमें यही रैक्स लगे हुए होते हैं, ज्यादातर मेटल के रैक्स लगे हुए होते हैं, और सुपरमार्केट रैक्स लगे हुए होते हैं जो ग्रोसरी के लिए यूज होते हैं, मेडिकल शॉप के लिए यूज होते हैं, गारमेंट्स के लिए यूज होते हैं, ग्रोसरी के लिए यूज होते हैं, इस तरह के शॉप के लिए यूज होते हैं। अच्छा, हमने ये चीज बता दिया आपको कि लकड़ी में और हमारा मेटल रैक्स में क्या कंपेरिजन है। तो सबसे बड़ा जो कंपेरिजन है वो है पैसे का, और लोगों के पास पैसे की कमी होती है, बजटेड नहीं हो पाते हैं, तो मेटल रैक्स में आपका जो भी बजट होगा वो इसमें फिक्स रहेगा। मैंने पहले ही बताया कि अगर आपका लकड़ी में 1 लाख का बजट आ रहा है और मेटल रैक्स में आपका 72-70 थाउजेंड के आसपास आएगा, जो कि 30% आपका बजट कम आता है। दूसरा जो हमने बताया है वो लुक वाइज में, लुक वाइज बिल्कुल हटके है, बड़े बड़े शोरूम में जो लुक आता है वो इसका वो ये लुक देता है। तीसरा हमने बताया कि इसका कोई भी पार्ट फिक्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ये एडजस्टेबल है, आप अपने मन मुताबिक आप इसे इधर से उधर से इधर कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने आगे बताया कि ये इजी टू मूव है, आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लकड़ी में ऐसा नहीं होता है, 80% डैमेज होने का चांसेस रहता है। अच्छा, इसके बाद मैं बता दूं कि शॉपर शेल्फ जो है वो कहाँ सर्विस दे रहा है और किस किस लोकेशन के लिए सर्विस दे रहा है। तो हाँ, आइए, शॉपर शेल्फ जो अभी दे रहा है वो बेसिकली जमशेदपुर के कस्टमर को, यानी जमशेदपुर में फुल फोकस, यानी जमशेदपुर वासियों के लिए शॉपर शेल्फ आया है। लेकिन हमारा एक चीज मैं बताना भूल गया कि शॉपर शेल्फ जो है वो एज अ डीलरशिप सर्विस दे रहा है, जो कि बिहार और झारखंड के लिए है। बिहार और झारखंड के किसी भी एरिया में अगर रिक्वायरमेंट हो, मैं आपको मेटल रैक्स प्रोवाइड करूंगा। शॉपर शेल्फ सर्विस किस तरह से दे रहा है और ऑर्डर किस तरह से लेता है, इसके बारे में भी मैं छोटा सा टर्म बता दूं। शॉपर शेल्फ सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचता नहीं है, बल्कि कस्टमर को सजेस्ट भी करता है कि आपका शॉप किस तरह से खूबसूरत दिखेगा। और जब मैं ऑर्डर लूं तो मैं किसी भी कस्टमर का ऑर्डर बिना अपना प्रोडक्ट दिखाए कंफर्म नहीं करता हूं। सबसे पहले मैं अपने कस्टमर को बोलता हूं, आप हमारा प्रोडक्ट देखिए, सेटिस्फाई हो जाइए, फिर हमें ऑर्डर दीजिए। अच्छा, शॉपर शेल्फ किस किस तरह के शॉप के लिए प्रोडक्ट दे रहा है? तो शॉपर शेल्फ हर तरह के शॉप के लिए प्रोडक्ट दे रहा है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रोसरी से रिलेटेड हो, चाहे वो गारमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का शॉप अगर आप बना रहे हैं, आपके प्लानिंग में है, आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम उस प्रोडक्ट या आपके शॉप के अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट प्रोवाइड करूंगा। शॉपर शेल्फ अब तक जमशेदपुर में 20 से ज्यादा आउटलेट खोल चुका है, हर तरह के आउटलेट खोल चुका है, फोर व्हीलर पार्ट्स का शॉप भी खोल चुका है, ग्रोसरी से रिलेटेड, गारमेंट से रिलेटेड, मेडिकल शॉप भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, यानी हर तरह के शॉप जमशेदपुर में हमने दिया है। अगर हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, आप हमारे पास आइए, कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारा फुल एड्रेस हॉरिजोन मॉल, शॉपर शेल्फ, शॉप नंबर LG9, राजवाड़ा पैलेस, मैरिज हॉल, नियर चेपा पुल। फुल एड्रेस हॉरिजोन मॉल, शॉप नंबर LG9, बिसाइड राजवाड़ा पैलेस, मैरिज हॉल, नियर चेपा पुल, पार्डी रोड, मानगो, जमशेदपुर। फुल एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, आप जाएं और हमसे कॉन्टेक्ट करें।